हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जी भाई, लिख देना कल के अखबार में कि आजाद मैदान में भाषण देते वक्त गंगूबाई ने आंखें झुकाकर नहीं, आंखें मिलाकर अपने हक की बात की है। भाई, गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर को देखकर एक बात तो कह सकते हैं कि फिल्म में आलिया भट्ट ने जबरदस्त एक्टिंग की है। उनके बोलने का स्टाइल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, हर एक डायलॉग काफी गजब के हैं। नमस्ते नमस्ते। ये स्टेज वाला सीन तो भाई अलग ही लेवल का है। तो ट्रेलर का जो मेन प्लस पॉइंट है वो है आलिया भट्ट। उसके अलावा अजय देवगन की एंट्री भी काफी अच्छी लगी थी। एक सीन में विजय राज भी नजर आते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो इस रोल में कुछ खास नहीं लगे हैं। बाकी आलिया भट्ट तो भाई पूरे ट्रेलर की जान है। तारीफ करनी होगी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की कि वो अपने लीड कलाकारों को अलग ही लेवल की एक्टिंग कराते हैं। चाहे वो गुजारिश में ऋतिक रोशन हो, ब्लैक में अमिताभ बच्चन रानी मुखर्जी हो, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में रणवीर सिंह हो, हर एक कलाकार संजय लीला भंसाली की फिल्मों में अलग ही रोल में नजर आते हैं। तो देखते हैं आलिया भट्ट को लोग इस फिल्म में कितना पसंद करते हैं और ये फिल्म कैसी जाती है। हाँ, ट्रेलर काफी जबरदस्त है। तो ये फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होगी। बिरजू, तुझे क्या लगता है गंगूबाई गू खाती है? जॉन अब्राहम की मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म अटैक से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। फिल्म की रिलीज डेट को कंफर्म किया गया है, साथ ही ये भी कहा गया है कि अब अटैक एक फिल्म सीरीज होगी जिसका पहला पार्ट 1 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, एक और फिल्म सीरीज की घोषणा की गई है, अटैक। आजकल बॉलीवुड की बहुत सी फिल्में फिल्म सीरीज में आ रही हैं, जैसे कि गणपत का पार्ट 1 आ रहा है, भेड़िया फिल्म दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा होगी, सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 और शाहरुख खान की फिल्म पठान स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होगी, वहीं ब्रह्मास्त्र के भी 3 पार्ट आने वाले हैं। तो अब डायरेक्टर लक्ष्यराज आनंद ने भी फैसला किया है कि वो अब अटैक फिल्म को एक फिल्म सीरीज में लाने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये फिल्म सीरीज कितना आगे जाती है और इसमें हमें कितने पार्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही ये भी कंफर्म हो गया है कि रनवे 34 ईद के मौके पर ही रिलीज होगी। जी हाँ, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन की अपकमिंग थ्रिलर ड्रामा फिल्म रनवे 34 29 अप्रैल को ही रिलीज होगी। रितेश देशमुख और जिनेलिया देशमुख की अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म मिस्टर मम्मी का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है। काफी अलग सा पोस्टर है जिसमें जिनेलिया के साथ साथ रितेश देशमुख भी प्रेग्नेंट दिख रहे हैं। कुछ यूनिक स्टोरी लग रही है। कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी जिसमें ये दोनों कलाकार लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म को बंटी और बबली फिल्म के डायरेक्टर साद अली डायरेक्ट कर रहे हैं, वहीं भूषण कुमार फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। रिलीज डेट अभी कन्फर्म नहीं है। काफी टाइम से रुकी हुई आदिवासी की अपकमिंग फिल्म मेजर की नई रिलीज डेट अनाउंस की गई है। ये फिल्म अब 27 मई को रिलीज होगी। जी हाँ, 27 मई को रिलीज होगी। खबरों की माने तो विकी कौशल शाहरुख खान के साथ नजर आने वाले हैं। जी हाँ, शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की फिल्म के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ऑफिशियल नहीं है, लेकिन रूमर काफी टाइम से आ रहे हैं कि शाहरुख खान एक अपकमिंग फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के साथ करने वाले हैं। तो इसी फिल्म में विक्की कौशल भी नजर आ सकते हैं। कुछ और खबरों की माने तो पठान फिल्म के बाद शाहरुख खान इसी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, राजकुमार हिरानी की फिल्म की शूटिंग इसी साल ही स्टार्ट होगी और ये फिल्म समर 2023 में रिलीज होगी। तो देखते हैं ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। मिथुन चक्रवर्ती और श्रुति हसन की अपकमिंग थ्रिलर ड्रामा सीरीज बेस्ट सेलर का टीजर रिलीज किया गया है। टीजर में सीरीज के बारे में कुछ दिखाया नहीं गया है, लेकिन सीरीज में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो आप विजयराज के दमदार आवाज में सुन सकते हैं। तो देखते हैं कि सीरीज का ट्रेलर कैसा होता है। नेटफ्लिक्स ने एक ट्रेलर रिलीज किया है जिसमें इस साल नेटफ्लिक्स पर आने वाली सभी फिल्मों की झलक दिखाई गई है। द ग्रे मैन से लेकर द मदर, द एडम प्रोजेक्ट, डे शिफ्ट, नाइफ आउट, स्पाइडर हेड, स्लम्बरलैंड, कार्टेल, द स्कूल फॉर गुड एंड एविल, एनोला होम्स 2 और भी बहुत सारी फिल्मों की झलक देखने को मिलती है। इस ट्रेलर को देखकर इतना तो है कि इस साल नेटफ्लिक्स बहुत कुछ लाने वाला है। तो देखते हैं कि इन फिल्मों की रिलीज डेट क्या होती है। तो अला वैकुंठा पुरामलु के बाद भीष्मा के हिंदी डब की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। अला वैकुंठा पुरामलु 13 फरवरी को आएगी। वहीं भीष्मा का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 19 फरवरी को रात 8 बजे ढिंचाक टीवी चैनल पर। जी हाँ, बैक टू बैक 2 हिंदी डब फिल्में टीवी पर आने वाली हैं। तो बस यही दुआ करते हैं कि किसी भी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन ना हो।
कुछ नई फिल्मों और सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है, जैसे कि तापसे पन्नू की थ्रिलर फिल्म लूप लपेटा को आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा रॉकेट बॉयज के पहले सीजन को सोनी लीव पर रिलीज किया गया है। वहीं प्रतीक गांधी की नई सीरीज द ग्रेट इंडियन मर्डर को डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज किया गया है। तो काफी कुछ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई हैं। आप किस फिल्म सीरीज को देखने वाले हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।